नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। बिजनौर पुलिस की बड़ी कार्यवाही, मोबाइल चोर गिरोह चोरी की मोबाइल व टैबलेट सहित गिरफ्तार। दरअसल जनपद बिजनौर के एसपी दिनेश सिंह द्वारा जनपद में चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए चलाए जा रहे अभियान में आज थाना रेहड़ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान बस अड्डे के पास से 3 शातिर चोर साकिब, नाजिम और विबल निवासी ग्राम रेहड़ को चोरी किए हुए 12 मोबाइल व एक टैबलेट सहित गिरफ्तार किया है, जिनकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए बताई जा रही है। एसपी पूर्वी अमवीर सिंह ने प्रेस वार्ता कर घटना का खुलासा किया। आइए जानते हैं एसपी पूर्वी ने और क्या कुछ कहा। पिछले दिनों थाना रेहड़ में लगातार ये सूचना प्राप्त हो रही थी कि कई लोगों के मोबाइल चोरी हुए हैं। इस सूचना पर थाना पुलिस द्वारा बड़ी गहनता से जाँच की जा रही थी, तो इसमें आज एक सफलता रेहड़ पुलिस को मिली है, जिसमें इन्होंने 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। इस पूरे उसमें हमारे 2 मुकदमे जो थाना क्षेत्र के ही जिन लोगों के चोरी हुए थे मोबाइल और टैबलेट वगैरह, वो भी बरामद हुए हैं। इसके अलावा इनके द्वारा ये बताया गया है कि काशीपुर और पड़ोसी राज्य से भी इनके द्वारा चोरी की गई है, तो वहाँ की पुलिस से भी संपर्क किया जा रहा है। मेरी उम्मीद है कि इस गैंग के वर्कआउट होने के बाद रेहड़ और काशीपुर क्षेत्र में जो चोरी की अप्रत्याशित घटनाएं हो रही थी उन पर निश्चित रूप से अंकुश लगेगा। रेहड़ के रहने वाले हैं, एक नाजिम है, एक साकिब है और एक का नाम विमल है। देखिए संवाददाता इसरार अहमद की एक खास रिपोर्ट। आप भी कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि आपने अभी तक डीपीपी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और हाँ, लाइक कमेंट व शेयर करना भी ना भूलें। नमस्कार।